व्हाट अ ड्रीम डेब्यू फ्रॉम हसीबुल्ला। हाँ जी बिल्कुल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने उनमें देखी हिटिंग तो आजकल सारे लड़के ही अच्छा करते हैं, लेकिन जो सेंसिबल इनिंग्स उन्होंने खेली है, जो कॉन्फिडेंस के साथ जो दो रन उन्होंने गैप्स में खेल के जिस जगह पे जोए वो खेलने आए थे, मतलब तीन पे आपके दो खिलाड़ी आउट हैं और बल्कि दो पे आपके तीन खिलाड़ी आउट हैं, वहाँ से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और किस तरह अपनी टीम को जो है मुस्तहकम पोजिशन में, मतलब हर बंदा बात कर रहा है अगले वाले खिलाड़ियों की जिनके ऊपर हम आएंगे, लेकिन हसीब को बड़ा क्रेडिट देना होगा आज का ये जो 198 रन का टारगेट उन्होंने सेट किया। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बहुत आई था, और ये भी देखा जाए कि साथ में प्लेयर आपका एक फॉरेन प्लेयर खेल रहा है और काफ़ी अच्छी उसकी फॉर्म लगी हुई है, उसके होते हुए जब आपने चार्ज संभाला तो उस फॉरेन प्लेयर ने स्टेप बैक कर लिया कि यार देखो ये अच्छा खेल रहा है, अब मैं इसको खिलाता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि कॉन्फिडेंट के साथ उन्होंने अपनी हिटिंग की और ऐसा नहीं किया कि रैश शॉट्स खेलना शुरू हो जाए एक्सक्यूज मी, और उन्होंने जो है छक्के भी लगाए, चार्ज भी लिया, और उसके साथ साथ खूबसूरती जो गेम की खूबसूरती है कि सिंगल डबल जो है उन्होंने नहीं छोड़े, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने के लिए। ठीक हो गया, और ये बताइएगा कि पोवेल जिस तरह आज खेले हैं, वैसे एक मैं देख रहा था कि अब लोग बातें करना स्टार्ट हो चुके थे कि इसकी जगह नहीं बन रही, अच्छा डिसीजन लिया कि निशाम को बाहर रख दिया और पोवेल को टीम में रखा, और आई थिंक उनकी जो इनिंग्स थी उन्होंने आज साबित किया कि वो बेस्ट फिनिशर है। जी बिल्कुल, पोवेल ऐसे प्लेयर हैं जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि वो 8-7 मैचेस में से एक ऐसा मैच आपको दे देंगे जिसमें वो सिंगल हैंडेडली वो आपको मैच जितवा देंगे। जाहिर सी बात है कोच उनका डैरन सैमी कोच है, उनका बैक करते हैं, अपने प्लेयर्स को भी उनको लेके आते हैं और उनको बैक करते हैं, उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी ऐसी है कि वो जो लास्ट के जो 15-20 ओवर का जो स्पैन होता है उसमें वो टीम का जो मोमेंटम है अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट इनिंग्स उन्होंने अपनी खेली है, इस मेरे ख्याल से तमाम सीजन में से ये जो इनकी इनिंग्स थी मैच विनिंग इनिंग्स आप इसको कह सकते हैं, तो ये बेस्ट इनिंग्स मेरे ख्याल से।